हेलो बच्चों पार्टी। तो कैसे हैं सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो यार अभी जस्ट ये अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है? बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है तुम्हारा, ठीक है? मेरा नहीं, ठीक है? क्योंकि जस्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी काउंसलिंग स्टॉप हो चुकी है। ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, किसी की ऑनलाइन चल रही है, किसी की ऑफलाइन रनिंग में चल रही है। एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। और अगर अपन बात करें जीएक चंडीगढ़ की, तो ये भाई साहब देखिए, अभी तक एनटीए ने वेबसाइट तक रिलीज नहीं की है। जीएक चंडीगढ़ की वेबसाइट आप देख सकते हैं, 2020 लिखा है यहाँ पर, 2020 वाली पड़ी है, कोई अपडेट नहीं है। स्पॉट राउंड पिछले साल वाला 2020 वाला चल रहा है, ऑलमोस्ट 2021 जाने वाला, अभी 2020 में पड़े हैं ये लोग। तो इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहूंगा कि रोज रोज यार वीडियो वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बना नहीं पाता। इसके रिगार्डिंग मैंने जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है, ठीक है? ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन डॉट ऑनलाइन, ठीक है? यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। इस वेबसाइट पे मैं रोज रोज जो है, ये कोई मोनेटाइज नहीं है, गूगल एडसेंस का यूज नहीं करता मैं, ना ही यूट्यूब पे करता हूँ, ना ही मैं वेबसाइट पे करता हूँ। मेरे एटलीस्ट 1,10,000 ऐसे कुछ व्यूज है अभी तक, ठीक है? और मेरा एडसेंस बहुत पहले तक मतलब अप्रूवल के लिए एलिजिबल हो गया था, लेकिन मैं एड यूज नहीं करता बिल्कुल भी, ना ही वेबसाइट पे करता हूँ, ना ही यूट्यूब पे करता हूँ, ठीक है? तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि इसे एड दिखाए जाएंगे, ठीक है? एड वगैरह कुछ नहीं आता इस पे, ठीक है? तो आप यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस सेक्शन है, ठीक है? अभी तो जस्ट इसको 1 से 2 दिन ही हुआ है, कल ही मैंने इसको क्रिएट किया है, पूरा बिल्कुल अभी बना ही नहीं है, ठीक है? तो आपको जस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? कुछ एडमिशन रिगार्डिंग, कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, किसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, किसकी होने वाली है, कौन सी काउंसलिंग रनिंग में है, ठीक है? अभी जस्ट ये मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ये PSAC पटियाला, एंड अभी इसकी क्लासे ऑलरेडी रनिंग में चल रही है, ठीक है? ऑलमोस्ट एडमिशन खत्म हो चुके हैं, एंड दिस इज फुली गवर्नमेंट, एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस, एंड दिस इज प्रोवाइड इन एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? तो यू कैन गेट एडमिशन इन एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इन फ्यूचर कोर्स, ठीक है? फ्यूचर के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा स्कोप है, सभी को पता होगा, ऑलमोस्ट सारों ओर चल रहा है स्पेसएक्स, और ये जस्ट मून वगैरह ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं अभी, इलोन मस्क है, जेफ बेजोस है, रतन टाटा है, इसरो इंडिया गगनयान लॉन्च कर रहा है। तो फ्यूचर के अंदर एरोस्पेस एरोनॉटिकल का यार स्कोप तो बहुत ज्यादा है, ठीक है? वैसे भी इसरो DRDO वगैरह को पाकिस्तान जो चचा वगैरह है उस पर भी हमला वगैरह करने के लिए कुछ चाहिए होता है हथियार वगैरह, तो उसके लिए भी मतलब देश को सख्त जरूरत है एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की, ठीक है? एंड दिस इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर तुमको डायरेक्टली एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो जस्ट आप ये प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? कुरियर कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है? ओनली फॉर 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट्स, एंड यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली इन PSAC पटियाला, ठीक है? तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको CS में भी चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेज अवेलेबल है, इसके लिए अदर प्रोग्राम है, ठीक है? एक तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं डायरेक्टली, आप यहाँ पे जो है जो CCA वगैरह है उस पर कुछ पेमेंट वगैरह करना होता है आपको, ठीक है? तो उससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर ले इसके रिगार्डिंग, ठीक है? अब अगर अपन बात करते हैं जीएफ सिंडिकेट की, तो ये भाई साहब बहुत लेट है, और इसकी जो NTA कंडक्ट कर रही है वेबसाइट, तो जस्ट ऑलमोस्ट सारी वेबसाइटें अभी अपडेट हो रही है, तो इससे भी हो जाएगा अभी जस्ट यही एडवांस का एग्जाम से पहले पहले हो जाएगा, 3 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है? ऑलमोस्ट इस वीक तक हो जाना चाहिए वेबसाइट अपडेट 2021 तक की, क्योंकि जेई के बेसिस पे ही होता है हमेशा ही है, और ये थोड़ा लेट चल रहा है अभी, ठीक है? राजस्थान वाला भी लेट था, उसकी ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग तो स्टॉप हो गई है, अभी रिजल्ट वगैरह नहीं आया, ठीक है? तो जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग स्टॉप हो चुकी है, तो अगर आप एडमिशन नहीं लिया है तो जस्ट मतलब आपकी क्लासे मिसिंग में है, ठीक है? आप बहुत लेट है, तो आपको डिसीजन बहुत जल्द लेना चाहिए। अगर आपके जेई के अंदर कम परसेंटाइल है, सोच रहे हैं कि जोसा CSA भी में कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मतलब वो फुल नहीं है, पक्का नहीं है आप, तो जस्ट आप थोड़ा वेट ना करें, क्योंकि जस्ट अगर CSA भी में नहीं मिलेगा, क्योंकि CSA भी 12वें महीने दिसंबर तक चलेगा, ठीक है? तो दिसंबर तक वेट कर पाना, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर बात करें तो अभी जस्ट 3 महीने का यानी 90 दिन का सेमेस्टर चल रहा है, हमेशा 6 महीने का होता है, 3 महीने के अंदर सारा कोर्स कंप्लीट होता है, और लगभग 3.5 या 4 महीने में जो आपकी सेमेस्टर की एग्जाम हो जाती है। अगर मेरी बात करूँ तो जस्ट मेरा एडमिशन हुआ था लास्ट दिसंबर में, क्योंकि मैंने जस्ट
मैं जोसा पार्टिसिपेट किया था। जोसा में मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ, फिर मैंने वो कैंसिल किया तो मैंने दूसरी जगह जहाँ एडमिशन लिया वहाँ दिसंबर में लिया। तो दिसंबर में ऑलमोस्ट वहाँ का सारा कोर्स कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लासें 20 रनिंग में चल रही है तो दिसंबर में तो एग्जाम हो जाएंगे। फिर जस्ट ऑलमोस्ट सारा कोर्स कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। आप जैसे इसका अगर रैंक ठीक नहीं है तो आप इसमें जस्ट वेट ना करें और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते थे। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग और एडमिशन के। ठीक है, और जस्ट अगर आप बिहार से हैं तो बिहार क्रेडिट ऑलमोस्ट पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सब जगह मतलब कंफर्टेबल है। तो आपकी फीस वगैरह कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं आप। ठीक है बच्चा पार्टी, और जस्ट आपका अगर एरोस्पेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, तो मैं तो जस्ट आपको रिकमेंडेड करना चाहूंगा अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, तभी ले, वरना मेरे कहने से तो क्या होगा। ठीक है, तो जस्ट आप पीएसएससी पटियाला में ले सकते हैं, अभी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और जस्ट नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन के। ठीक है, और जब ये एडमिशन है उसका प्रोसेस आपको पता ही होगा। ठीक है, जेक चंडीगढ़ जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा क्वारी जा रही थी। और जस्ट इसकी कट ऑफ वगैरह पिछले साल की कितनी गई है यूआईटी चंडीगढ़, मतलब इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वारी जा रही है, तो जस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं कट ऑफ वगैरह, यहाँ पे दे रखा सारा। ठीक है, तो जस्ट यू कैन गेट एडमिशन। थैंक यू सो मच, हैव नास्ते, गुड डे, बाय बाय, ओके, थैंक यू। और यार एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहूंगा कि जस्ट 28 ऑफ सितंबर को या 28 ऑफ सितंबर को अपने एक लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जस्ट आप उसको जस्ट विजिट करें और जस्ट उस घंटे को दबा दें, और अगर 1400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तो जस्ट लाइव स्ट्रीम होगी, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे लाइव, प्लस ऑलमोस्ट सारे Q&A, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वारी जाती है रिगार्डिंग व्हाट्सएप वगैरह पे। तो जस्ट आप पे एक एक जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। ठीक है, नीचे वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी है और वेबसाइट पे भी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलमोस्ट सारी जितनी भी काउंसलिंग वगैरह होती है, बच्चे भी इसमें सेंड कर देते हैं मैसेज वगैरह, और मैं भी जितनी भी होती है वो सारा का सारा सेंड कर देता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होती है ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब इसके अंदर है 50-60 तो स्टूडेंट्स होंगे कम से कम। तो जस्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन के, क्योंकि आपको वहाँ वहाँ रैंक वाइज भी पता चल जाता है कि किसकी क्या पोजीशन चल रही है, कहाँ से कौन बच्चा किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ पे कौन सी काउंसलिंग चल रही है अभी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।